दोस्तों स्वागत है आपका YouTube चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूँ CTT आंसर की में। दोस्तों आपको दोस्तों बोनस अंक है वो दिए जाएंगे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को लेकर इस वीडियो में बात करने वाला। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं लगातार मुझे कमेंट करते हैं कि सर क्या हमें जो है इसके लिए चैलेंज है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जिनके नंबर अच्छे खासे बन रहे हैं उन्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है कि वो इसके लिए चैलेंज करें आंसर की को, क्योंकि दोस्तों इसकी जो फ़ीस है 1000 रुपये बहुत ही ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, एक जो आपसे फीस लिया, अगर आप 7 क्वेश्चन पूछते हैं तो आपके 7000 रुपये इसमें दोस्तों आपको लगेंगे। इसके साथ दोस्तों इस वीडियो में बात करूँगा आपके जो रुपये हैं वो वापस कैसे आएंगे। अगर दोस्तों आपने जिन क्वेश्चन पर चैलेंज लगाया है वो सही जाते हैं तो आपके रुपए भी वापस आएंगे। जी हाँ दोस्तों, और अब मैं बात कर लेता हूँ कि आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में किन किन क्वेश्चनों पर दोस्तों जो है चैलेंज है वो कर सकते हैं। तो पेपर फर्स्ट में आप 7 क्वेश्चन पर चैलेंज कर सकते हैं, जिनमें आपसे कम से कम 4 नंबर दोस्तों आपको मिल जाएंगे। और पेपर सेकंड की बात करूँ तो इसमें आप 6 क्वेश्चन पर जो है चैलेंज कर सकते हैं। ऐसे 6 क्वेश्चन हैं उन पर आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। तो दोस्तों जिन स्टूडेंट के नंबर हैं वो कम बैठ रहे हैं, मिनिमम पासिंग मार्क्स से 2 से 3 नंबर कम बैठे हैं, तो वो ज़रूर चैलेंज करें दोस्तों। अगर आपको लगता है कि सवाल वास्तव में ही गलत है या उसमें कोई डाउट है या आप दोस्तों उसके ऑप्शन हैं वो गलत दिए गए हैं तो आप उसमें चैलेंज लगा सकते हैं और आपको दोस्तों उसके नंबर हैं वो भी बढ़ाकर बोनस हैं वो दिए जाएंगे। और दोस्तों आपकी जो आंसर की है फाइनल आंसर की वो आपको रिजल्ट के साथ ही देखने को मिलेगी। रिजल्ट आपका दोस्तों 28 फरवरी को घोषित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 28 फरवरी को आपका रिजल्ट आएगा। जो सोशल मीडिया से अपडेट आ रही है उसके अनुसार आपका रिजल्ट 28 फरवरी को आ जाएगा। तो आप सबके लिए दोस्तों बहुत ही अच्छी खबर है। और आपने अभी तक तो चैलेंज नहीं किया है कि चैलेंज तो आप कर सकते हैं। आज आपके पास 5 बजे तक टाइम है, उसके बाद आपका दोस्तों टाइम नहीं दिया जाएगा। इसकी जो कट ऑफ की बात करूँ तो आपको सभी को पता होगा जनरल कैटेगरी में दोस्तों जो आपके 90 नंबर होना अनिवार्य रहेगा, और अदर कैटेगरी में दोस्तों OBC ST इन सब में दोस्तों आपको 82 नंबर लाना अनिवार्य रहेगा। 50 में से ये आपकी योग्यता रहने वाली है दोस्तों, मिनिमम पासिंग मार्किंग। तो आपने अभी तक CTET में दोस्तों आंसर की को चैलेंज नहीं किया है तो आप ज़रूर करें, या फिर 2 से 3 कैंडिडेट मिलकर भी इसमें आंसर की में चैलेंज कर सकते हैं। उससे आपको कहीं ना कहीं रुपयों का दोस्तों फ़ायदा है वो हो सकता है, क्योंकि इसमें प्रति क्वेश्चन 1000 रुपये आपको पे करने ज़्यादा आते गए। इतने तो आवेदन करते समय भी आप रुपए हैं वो पे नहीं करते हैं। अगर आप 7 क्वेश्चन पर भी चैलेंज करते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो आपके 7000 रुपये हो जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों बात करूँ, जिन कैंडिडेट के अच्छे खासे नंबर हैं उन्हें कोई भी की चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों जिनके नंबर कम बैठ रहे हैं पासिंग मार्क्स से वो आंस जो की चैलेंज है वो ज़रूर करें। और रिजल्ट को लेकर और कट ऑफ को लेकर कोई भी अपडेट आएगी तुरंत आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, चैनल पर आपको CTET की पल पल की अपडेट वो मिलती रहती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।